हाय एवरीवन दिस इज़ वरानिका आज का टॉपिक हमारा बंगाल मोनिटर लिजट पे है काफ़ी बड़ी लिजट है ये साइज़ में जो नॉर्मल आप हाउस छिपकली देखते हैं घर में लिजट देखते हैं ये वैसी नहीं है साइज में बड़ी है अराउंड वन सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर तक ये ग्रो कर सकती है नाइन्टी टू वन सेंटीमीटर तक uh, अब देखिए यहाँ पे एक रैकेट ट्रैफिकिंग का बस्ट हुआ उड़ीसा में जहाँ पे लोग पकड़े गए इ उन्होंने इसको कैप्चर करके रखा था तो इसके बारे में हम डिटेल पर देखेंगे अब ये खबर जो है वो जून की है तो उड़ीसा में रिसेंटली अगर आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफ़र्ट्स को लेकर अच्छी अच्छी न्यूज़ हमारे पास आई है जैसे क्रोकोडाइल्स का कंजर्वेशन देखा तीन तरह के क्रोकोडाइल्स हैं जो सिर्फ उड़ीसा के केंद्र पार डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं वो सब एक सक्सेस स्टोरी कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में बताते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिकिंग से इस लेक्चर में हमारा ज़्यादा वास्ता नहीं है हमारा है बेंगॉल मोनिटर लिजिट से आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो उड़ीसा का है उन्होंने ही ये ट्रैफिकिंग रैकेट बस्ट किया और सेवन बंगाल मोनिटर जो लिजर्ड्स थी उनको पकड़ा पाँच इसमें से मर गई थी और दो जिंदा थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुलिस ने रेड किया एक घर एक स्लम था बेसिकली भुवनेश्वर में फोर्टीन जून टू में और सीज़ किए इन रेप्टाइल्स को सीज किया ये लिजट्स को एक स्मॉल केज में उन लोगों ने पकड़ के रखा था बेसिकली इस लिजट का मीट के लिए इसको मारा जाता है इसका हंटिंग होता है इसके जेनिटल ऑर्गन्स के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसके लिए इसको पकड़ा जाता है क्योंकि कुछ लोग जो तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं रखते हैं तांत्रिक विद्या में वो इसको डिफरेंट जगह पे यूज़ करते हैं तो इसका डिमांड इसलिए रहता है कि चाम गुड लक ऐसा कुछ माना जाता है अब ये जो ट्रैफिकर्स थे कोई भी डॉक्यूमेंट भी नहीं इनके पास था कि ये रेप्टाइल्स इन्होंने लॉफुली रखे तो ऑब्वियसली इलीगली ही पकड़े हुए थे तो टीम ने बंगाल मोनिटर्स को उनसे सीज़ किया दो लोगों को अरेस्ट भी किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को मैंने मेंशन किया है 1972 का ये क्या है इस एक्ट में आपके जो देश के हमारे देश के वाइल्ड एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं प्लांट स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बना है बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट जो है इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कैसे हंटिंग जो है काफ़ी एनिमल स्पीशीज़ की आप नहीं कर सकते इस एक्ट की लास्ट अमेंडमेंट 2006 में हुई थी ये अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में 2013 में और स्टैंडिंग कमेटी के सामने है अभी ये और फिर इसको विड्रॉ कर लिया गया 2015 में जो भी अमेंडमेंट्स इन्होंने रखी थी तो वो नहीं हुई फाइनली अब ये जो वैरनस लिजिड्स हैं इंडिया में इनके बारे में बात करूँ तो फोर स्पीशीज़ हैं इस तरह की वैरनस लिजट्स का इस जिसमें आपका बेंगॉल मॉनिटर लिजड आ रहा है जिसके बारे में मैंने आपको मेंशन किया इसका साइंटिफिक uh, नेम है वेरास बंगालसिस डेजर्ट मॉनिटर वेरनस है येलो मॉनिटर है और फिर आपकी वाटर मॉनिटर लिजट है तो चार तरह की स्पीशीज इस वेरनस लिजट्स की पाई जाती हैं वाटर मोनिटर वेरनस जो है सालवेटर इसकी लेंथ ऑलमोस्ट टू मीटर्स तक जाती है दो मीटर्स तक वाटर मॉनिटर जो है लार्जेस्ट रेप्टाइल है वर्ल्ड का और टेरिस्ट्रियल कजन जो है इसकी बंगाल मॉनिटर लेजर जिसकी हम बात कर रहे हैं अब ये नेचर में आरबोरियल है आर्बोरियल होता है जो ट्रीज़ पे रहते हैं तो ये ट्री पे ईजिली चढ़ जाती है इन सर्च ऑफ़ बर्ड्स नेस्ट क्योंकि इसका शिकार क्या होता है यूजली आर्थरोपॉड्स होते हैं जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं उन पे ये फीड करते हैं लेकिन अगर बर्ड्स के एग्स हैं तो उस पर भी ये फ़ीड कर सकते हैं स्मॉल फिशेस पे फीड करते हैं तो इसका जो लेंथ है अराउंड 1.75 मीटर तक जाता है बंगाल मोनिटर लिजर्ड की बात कर रही हूँ मैं बंगाल मॉनिटर लिजर्ड या कॉमन इंडियन मॉनिटर इसको कहा जाता है इसके बारे में देखिए मैन आपको एक टेब, टेबल फॉर्म में फॉर्मेट में मैं पढ़ा रही हूँ जोग्रफिक रेंज क्या है साउदन एशिया में ये पाई जाती है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है अफगानिस्तान से लेकर जावा तक इराक ईरान पाकिस्तान इंडिया नेपाल में ये पाई जाती है ईरान में तो इसको लोग मार देते हैं इससे डर के फार्म्स में अगर ये मिल जाए एग्रीकल्चरल फार्म्स में खेतों में तो लोग इसको मार देते हैं बिकॉज वो सोचते हैं कि ये खतरा हो सकती है। हैबिटेट इसका क्या है वार्म क्लाइमेट जहाँ पे थोड़ा गर्म क्लाइमेट होता है वहाँ पर ये पाई जाती हैं और टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस तक मोस्ट कॉमन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैबिटेट्स रहता है बंगाल मॉनिटर्स का डेसीडुअस सेमी डेसीडुअस फॉरेस्ट एवरग्रीन ग्रीन थॉर्न बुश फॉरेस्ट फिजिकल डिस्क्रिप्शन कैसा दिखता है ये ग्रे ग्रीनिश कलर है इसका वेंट्रल पैटर्न है क्रॉस uh, बार्स होती हैं इसकी स्किन पे हैविएस्ट रिकॉर्डेड मेल जो बंगाल टाइगर का आज तक मिला है उसका वेट सेवन पॉइंट वन एट के ऑलमोस्ट साढ़े सात के का वेट इसका है और uh, 10.2 केजी तक भी जा सकता है अगर कैप्टिविटी में इसको हम ग्रो करते हैं मेल्स का वेट जो है जनरली 42 परसेंट ज़्यादा होता है फीमेल्स फीमेल्स से मेल्स ऑफ द सेम्स नाउ टू वेंट लेंथ एज फीमेल्स आर टिपिकली नाइन टू 9.2 परसेंट हैवियर हैवी भी रहते हैं यंग बंगाल मॉनिटर्स ऑन एवरेज जो बिल्कुल छोटे यंग बंगाल मॉनिटर्स हैं उनका वेट पॉइंट जीरो सेवन एट के जी तक रहता है अब इसका बिहेवियर बिहेवियर में मॉनिटर लिज़र्ड कैसी है ये कुछ ऐसी लिज़र्ड्स हैं जो बोरो यानी खोद के जमीन में ये रहती हैं वैसे मैंने आपको बताया आरबोरियल भी है पेड़ पर पे भी जाती है लेकिन ज़मीन में ग्राउंड में भी रहती है बरोवर है ये क्लाइंबर भी है जिस तरह से पेड़ पे चलती है स्विमर भी है और जो साइज़ है इस एनिमल का वो इसको एक अच्छा प्रीडेटर बनाता है शिकार ये इजीली करती है अब इसके जो जुबेनाइल्स यंग बंगाल मोनीटर लिजर्ड है वो थोड़े अलग रहते हैं स्किन कलर में अपने एडल्ट से उसका रीज़न क्या है वो आज तक पता नहीं चला उस पर रिसर्च चल रही है कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी नहीं है कि ये कलर चेंज क्यों होता है बट जुवेनाइल्स जो है एडल्ट से थोड़े अलग लगते हैं लाइफ स्पैन की बात करें तो लार्ज प्रीडेटर्स जो हैं इसके वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं जो लार्ज प्रीडेटर्स हैं इस बेंगोलेंसिस के ये जो स्पीशीज़ हैं अनफेक्टेड अब चाहे बारिश हो रही है सूखा पड़ रहा है उसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता बहुत कम इफेक्ट पड़ता है साइजेस इसके पॉपुलेशन साइजेस ऑलमोस्ट ठीक रहते हैं स्टेबल रहते हैं सीजन टू सीज़न अब पहले ये लीस्ट कंसर्न थी इसका कंसर्न कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन इसको अपडेट कंजर्वेशनिस्ट बोलते हैं कि इसका स्टेटस अपडेट होना चाहिए आई के द्वारा क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड किल्स रोड में गाड़ियों के नीचे आके ये मर जाते हैं कई बार लोग मार देते हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा हंटिंग और पोचिंग होती है इसके मीट के लिए तो अब इसका नंबर डिक्लाइन हो रहा है तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत है अब देखिए फॉर कैप्टिव इंडिविजुअल्स जिनको पकड़ के आज तक देखा गया है लाइफ स्पैन इनका 22 टू ईयर्स तक भी जा सकता है लेकिन अब कंसर्न क्या है इसकी पॉपुलेशन को लेके जैसे मैंने आपको बताया कि मोनिटर लेजर्ट्स liz को लगातार मारा जा रहा है उनके मीट के लिए ब्लड के लिए ऑयल के लिए उनके जेनिटल्स को बेचा जा, जा बेचा जाता है जैसे मैंने कहा तंत्र मंत्र के लिए लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल्स बताते हैं कि इनके जेनेटल्स की कोई भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं है ट्रैफिकिंग और पोचिंग बंगाल मॉनिटर की आ, बहुत ज़्यादा होती है किन डिस्ट्रिक्स में देखिए पूरी में कट्टै केंद्रपारा और कंधमल नयागढ़ गंजम कालाहांडी हांडी बौद्ध मयूरभंज रायगढ़ रायगढ़ तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोचिंग इस लिजर्ड की होती है अब क्यों मारा जाता है ऑलमोस्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसकी स्किन के लिए बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए स्मगलिंग होती है बाकी स्टेट्स में थ्रू रोड एंड रेल और इसके जो मेल कॉपुलेट्री ऑर्गन्स हैं उनको भी ट्रेड किया जाता है ऑनलाइन मार्केट में भी इनफैक्ट बिकते हैं और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनके वो किससे मिलते हैं एक रूट है इंडियन प्लांट की मार्टिनिया अना ओके okay, और उसको तांत्रिक हिंदू वर्शिप में यूज़ किया जाता है और इसे माना जाता है कि गुड लक आएगा तो अंधविश्वास है बट ये कुछ रीजन्स है कि इसकी पोचिंग होती है इ पोचिंग होती है अब इस स्पीशीज को जैसे मैंने आपको बताया लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है आई द्वारा बट इसको बहुत ज़्यादा पोचिंग हो रही है तो इसका स्टेटस अपडेट होने की भी ज़रूरत है इसको प्रोटेक्शन मिली अंडर स्किड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बंगाल मॉनिटर लिजट uh, जो है वो कुछ ऐसी स्पीशीज़ में से है जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते इसलिए इनका जो स्टेटस है जैसे क्रोकोडाइल्स बहुत अच्छा स्टेटस इन्जॉय करते हैं उनके लिए कंजर्वेशन एफ़र्ट्स लगाए जाते हैं रेप्टाइल्स बाकी रेप्टाइल्स के लिए भी लगाए जाते हैं बट तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते तो इतने ज़्यादा कन्जरवेश कंजर्वेशन के एफ़र्ट्स भी नहीं लगाए जाते लोग इसको लिजट की छिपकली है करके कि है या नहीं है डजेंट मैटर करके छोड़ देते हैं बट ऐसा नहीं है जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं कुछ कंजरवे कंजरवेटर्स हैं वो इस पर आवाज उठा रहे हैं कि अब लीस्ट कंसर्न का स्टेटस थोड़ा अपडेट किया जाए अब ये जो रेप्टाइल्स हैं लिजर्ड टाइप के इनका इकोलॉजी में क्या रोल है इन्वायरमेंट में क्या रोल है एक तो ये प्रीडेटर्स हैं आर्थ्रोपॉड्स पे फीड करते हैं तो जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं ओके okay, तो इससे बैलेंस और हेल्थ जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का वो बना रहता है और डिफरेंट एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है अब यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है व्हाट इज़ हरपिटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज़ लाइक हर्पीज स्टडी ऑफ फ़िश स्टडी ऑफ एम्फेबियज एंड रेप्टल्स द स्टडी ऑफ वॉटीब्रेड्स तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हार्पिटोलॉजी क्या है वैसे इस सब्जेक्ट पे बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी इंडिया में नहीं होती अगर कोई हार्पिटोलॉजी पे स्टडी करना चाहता है तो उसको बीएससी लाइफ साइंसेज या जोआलॉजी में करना होगा फिर मास्टर्स जो है वो जोलॉजी में लाइफ साइंसेज में कर सकते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जो कोर्स होता है मास्टर्स का वो करके क्योंकि वहाँ पर इन द कोर्स हार्पिटोलॉजी का एक अच्छा एक सब्जेक्ट रहता है एक्सटेंसिवली आप पढ़ सकते हैं इंटर्नशिप्स कर सकते हैं राइट right? uh, तो चलिए ये मैं आपको इस फील्ड के बारे में बता रही थी बाकी आप मुझे आंसर बताइए और टेलीग्राम पे इसका आंसर जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा वहाँ चेक कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए स्मार्ट कोर्सेज ई एम भी अवेलेबल है कॉल कर सकते हैं नंबर पर और जानकारी ले सकते हैं थैंक यू सो मच